वहीं नजर डालेंगे बिहार की कुछ खास खबरों पर। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर कोतवाली थाने के सामने एक रिक्शा चालक की सड़क पर मौत हो गई है। बता दें कि हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मृतक को रोड से हटाकर किनारे लिटा दिया, लेकिन आधे घंटे से भी अधिक समय तक कोतवाली थाने से किसी पुलिसकर्मी ने देखने तक की जहमत नहीं की। वहीं काफी देर बाद तातारपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, और ऐसे में पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे। ये मतलब बाथरूम करके आए, उसके बाद वो जरा सा बैठे, उसके बाद लोगड़के अपने ठंड लगने के कारण ही मर चुके हैं। ठंड से मर गए? हाँ, ठंड के कारण। थाना सामने में? हाँ, थाना सामने में, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं। कोई देखने नहीं? कोई नहीं आया। कैसे मौत हुई, क्या हुआ, कोई नहीं पूछने भी नहीं आए। कितना देर से पड़ा? आधा घंटा से पड़ा हुआ है। कोई देखने वाला? कोई नहीं है। जबकि सामने में थाना है, कोई बड़ी घटना हो जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग? आम पब्लिक ही ना देख सकते हैं, जनता ही ना देख सकते, दूसरा क्या देखेगा? कोई लापरवाही है? हाँ, ये तो बात है, ये तो परवारी का मेरे साथ जो है ना शादी करने के बाद। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से है, जहां पर मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र में एक महिला शादी के लगभग ढाई महीने बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बता दें कि महिला अपने शौहर के घर से लगभग 4.5 लाख रुपए और जेवरात लेकर गई। इतना ही नहीं, उसने अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए उसने साजिश तक रच डाली, लेकिन उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली। वहीं पीड़ित पति ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे साथ जो है ना शादी करने के बाद वो मायके चली गई थी, निकाह करने के बाद। उसके बाद मेरे पास 7-10 को मेरे माने घर आई, साथ में हनीमून बनाने के लिए अकबरपुर गई, और उधर से लौटने के बाद मेरे घर में जो रुपया रखा हुआ था वो लेकर के चली गई। उसके बाद आज तक हमको मुलाकात नहीं था, किसी दूसरे लड़का के साथ वो फरार हो गई थी हैदराबाद में। उसके बाद वो आई घटना पर, जो कल 16 तारीख था, कल 16 तारीख को जो घटना मेरे साथ हुआ है वही। कहाँ की लड़की थी वो? बरेवा की। उसे कब शादी आप की थी? 21 अगस्त को। कितना दिन रही हुआ आपके पास? मेरे पास शादी करने के बाद मायके चली गई, एक दिन भी नहीं रही, वही हनीमून बनाने के लिए मेरे साथ आई 7-10 को, और हम लोग 7-10 को चले गए मुजफ्फरपुर से। 11:30 में ट्रेन था, अकबरपुर चले गए थे, वहाँ 9 बजे रात के पहुँचे। कितना पैसा लगभग आपका लेके? मेरा पैसा तो पूरा जोड़ेंगे तो बहुत है, 2 मोबाइल भी है मेरे पास, एगो 60,000 का, एगो 13,000 का। और कैश कितना लेकर भागी है? कैश में मेरे पास है। वही खबर बिहार के भागलपुर से है, जहाँ पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि जुरुमायल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कैदी को इलाज के लिए मायागंज हॉस्पिटल लाया गया था, और इस दौरान कैदी के हाथ में लगी हथकड़ी को बेड से बांधकर सिपाही गहरी नींद में सो गए, और ऐसे में अगर कैदी फरार हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं सिटी एसपी ने बताया है कि यह मामला संज्ञान में आया है और एसएसपी को जांच के आदेश दिए गए। एक वीडियो प्रकाश में आया है, इसमें एक कैदी के साथ अस्पताल के एक बेड पे दो सिपाही बेड पे लेटे हुए दिखे गए हैं। ऐसे में जांच करवाई जा रही है, एसपी सिटी को जांच के लिए भेजा गया है, और लगातार सभी पुलिस कर्मियों को यह निर्देश दिया जाता है कि यूनिफॉर्म का एक कोड है पुलिस की वर्दी में, एक एक्सपेक्टेड जो कंडक्ट होना चाहिए उससे डाइवर्ट ना करें, और जहां तक हो पाए वो ड्यूटी अच्छे से करें। दिनांक 15 तारीख को। खबर बिहार के गया से है, जहां पर ईंट मालिक को अपहरण कर हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त वाहन और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। ये दिनांक 15 तारीख को संध्या में एक ईंट भट्टा का संचालन करते हैं, रहने वाले रानीगंज के अधिकारी थाना अंतर्गत, वो उनकी मिसिंग की एक सूचना मिली थी, और इससे संबंधित अगले दिन उनके लड़के के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया 16 तारीख को, उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई टिकारी थाना में। और चूंकि मामला ऐसा था कि काफी परिवार वाले इसमें ये थे, परेशान भी थे, तो हम लोगों ने तुरंत एक टीम गठित किया एडिशनल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में, और सभी पहलुओं को देखा गया, और अनुसंधान के क्रम में और जाँच के क्रम में पता चला कि जो मिसिंग पर्सन है, जो सतीश कुमार है, उनकी लास्ट जो बात हुई थी और एक महिला से बात हुई थी, उसी को आधार बना के हम लोगों ने आगे अपने अनुसंधान को बढ़ाया, और बाद में एक मंजू देवी करके एक महिला है जो पिटारी में पोस्ट ऑफिस के पास रहती हैं, वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया, और उनकी और उनके साथ एक सतीश मिश्रा करके एक लड़का था वो भी हिरासत में लिया गया, और जब पूछताछ हुई तो पूरे घटनाक्रम का पता चल पाया, और उसमें यही ज्ञात हुआ कि
जिस दिन इनका ये मिसिंग गए थे 15 तारीख को शाम में, उसी दिन वो महिला के घर पे ये गए थे और वहीं से इनकी हत्या करके एक बोलेरो इन्होंने हायर की और उस बोलेरो से इसे लेके किंजर थाना क्षेत्र में वहां जाके इन्हें डंप कर दिया गया हत्या करके। और इसमें जो हमारी टीम थी उन्होंने ने 4 लोगों की गिरफ्तार किया, जो बोलेरो चला रहे थे वो ड्राइवर, उसके अलावा महिला, उसका पति और ये सतीश मिश्रा जो लड़का है। इसके अतिरिक्त इस घटना में 3 लोग और शामिल हैं। खबर बिहार के मधेपुरा से है, जहां पुलिस ने जिला परिषद सदस्य सुनीला देवी के पति मनोज यादव को उनके गुर्गों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां भी बरामद की हैं। मधेपुरा पुलिस कप्तान ने यह बताया है कि गिरफ्तार अपराधी लगातार अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी कर दहशत फैला रहे थे, गरीब लोगों को हथियार के बल पर डराया धमकाया करते थे। वहीं गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। कुशल नेतृत्व में उन सभी को बात किया गया आत्मसमर्पण करने के लिए, जब आत्मसमर्पण किया गया तो पुलिस के द्वारा उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया। उसमें मनोज यादव के साथ साथ सुशील यादव और प्रमोद यादव जो कि इनके सहयोगी हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई और इन लोगों के पास से एक रेगुलर 315 का राइफल, 2 देसी कट्टा, 2 मास्केट और साथ में भारी मात्रा में गोली की बरामदगी हुई है। गोली करीब 39 लाइव है और साथ में बिंडोलिया, खोखा और मोबाइल आदि की बरामदगी हुई है। आपको मैं यह भी बता दूं कि मनोज यादव का एक काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके विरुद्ध में अभी वर्तमान में कुल मिलाकर 34 केस, बहुत सारे केसेस में शुरू से बेल आउट भी है, परंतु इनका एक काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा। काम लिया करते थे लेकिन उनके जेल जाने के बाद से सक्रिय हो गए तथा कुछ लोगों को मिला करके गिरोह तैयार कर लिया और क्षेत्र में लोगों को डराने धमकाने अपनी दबंगता पैदा करने का इधर प्रयासरत थे। और पुलिस को इस बात की जानकारी हुई तो जिसमें इनके पीछे लगी और इन्हें कल सफलतापूर्वक सहयोगियों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। सर, गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई? हाँ बिल्कुल, इन्होंने गोली चलाए और साथ में पुलिस की तरफ पुलिस जी इनको डराने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य करने के लिए पुलिस भी 3-4 राउंड गोलियां चलाई है, जिसके चलते ये बाद में बस मिट्टी में जाकर के छुप गए। और वही खबर बिहार के मधेपुरा से है, जहां पर इस्लामपुर वार्ड नंबर 15 के एक घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिससे कि घर में रखा सारा सामान और लाखों रुपए जलकर राख हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर का निरीक्षण किया और परिजनों को सरकारी मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं घटना में एक व्यक्ति के झुलसने की भी खबर है। बिजली से आग लग रहा कत्ता के संपत्ति जलन होता है बस्ती के सब मिल के बस्ती के सब बहुत लोग सब कौन कौन सब्जी जल रही है? मोटरसाइकिल, एगो साइकिल, ट्रेन दूगो चौकी लेके मारी रहा सब चीज़ तो बनाइए। घर बंद करके थोड़ा उधर चले गया था बात करने के लिए, अपने में थोड़ा देर के बाद इधर आया तो देख रहा पूरे घर में उधर से आग लग गया पूरा। तकरीबन कितना का जला होगा संपत्ति? लमसम होगा 1.5-2 लाख का। गाड़ी भी था, साइकिल भी था, जेवर वेवर सब था, बर्तन उर्तन बेटी के लिए रखा था सब, शादी ब्याह के लिए। और कौन कौन उसमें किसी को हताहत भी हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई किसी को लड़ाई ही नहीं है तो क्या तार ही लगा हुआ सामने काम दिया हमने, उसी से आग तो कर लिया, उसी से आग लगा, उसी में पूरा धथरा मार रहा था जो गेम बुझाने के लिए पन्नी जीते था ना झगड़ा लड़ा रहते खबर वैशाली प्रखंड पातेपुर से है, जहां भाजपा विधायक लखेंद्र कुमार ने अवर निबंधन कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। बताते कि रजिस्ट्री कार्यालय का उद्घाटन के होने से पातेपुर के लोगों को जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए महुआ नहीं जाना पड़ेगा। विधायक ने बताया है कि इसके लिए पातेपुर की जनता की मांग पर उन्होंने विधानसभा में आवाज बुलंद की थी।
तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि पातेपुर के लोगों को बहुत पहले से मांग था कि पातेपुर में रजिस्ट्री ऑफिस हो। यहाँ के लोगों को 40 किलोमीटर दूर महुआ रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं जाना पड़ता। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय लोगों ने मांग किया था, ये कई विधायक आए और गए, लेकिन अभी तक पातेपुर में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं हुआ है, जिस कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और इस बात को मैंने विधानसभा में उठाया, NDA के सरकार में उस समय इस रजिस्ट्री ऑफिस की स्वीकृति मिली और उसी के फलस्वरूप आज आपने देखा कि हम तमाम पातेपुर के सभी अपने लोगों के साथ, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ है, मुखिया जी से लेकर टोटल लोग, सब लोगों के साथ जो हमने आज विधिवत इसका उद्घाटन किया, क्योंकि बैंड बाजों के साथ इसको लाउड स्पीकर के साथ उद्घाटन करना था। लेकिन विषय यह आया जे क्योंकि बीच में अब नहीं जा रहे कहाँ से लोग आचार संहिता की विचर्चा कर रहे थे, तो कर इस पर तो बाद में आना है। लेकिन बहुत बहुत बधाई देते हैं पातेपुर के लोगों को, एक बड़ी उपलब्धि आज पातेपुर के लोगों को मिला कि हम अपने आप को भी इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज पातेपुर के लोगों को जो लंबी मांग थी रजिस्ट्री ऑफिस, आज हम सब लोग रजिस्ट्री ऑफिस के उद्घाटन और शुभारंभ के शुभ अवसर पर सभी पातेपुर के लोगों के साथ बैठ के, और आप पत्रकार जी आप सब लोगों के साथ भी बैठ के आज मुँह मीठा भी करेंगे, हम सब लोग लड्डू भी खाएंगे। पातेपुर के तमाम लोगों में, सभी जनप्रतिनिधि में, सभी पार्टी के लोगों में काफी खुशी है इस बात का कि पातेपुर के लोगों के लिए लंबी मांग थी रजिस्ट्री ऑफिस का, आज पूरा हो गया। आज से रजिस्ट्री ऑफिस का काम शुरू हो गया विधिवत। आज से लोग रजिस्ट्री कराने के लिए महुआ नहीं जाएंगे, यहीं पर रजिस्ट्री कराएंगे, और पातेपुर के लोगों को समुचित सुविधा प्रखंड मुख्यालय में ही हो, ये हमारी पूरी जमीनी है। वही खबर मोतिहारी से है, जहां पर पूर्वी चंपारण में अपराधियों का तांडव जारी है। एक और अपराधियों ने कोटवा थाना क्षेत्र में बाइक से घर जा रहे एक व्यक्ति की गोली मार दी और इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में उसे भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और यह घटना कोटवा थाना क्षेत्र के डुमरा चौक के पास की है। जमीनी विवाद में डुमरा चौक पर के रहने वाले हैं रामकिशोर से, उनकी गोली मार करके गाँव को। कितने अपराधी थे सर? अभी ये पता नहीं चल पाया है, लोग देख रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से पता नहीं चल पाया है, वो देख रहे हैं जैसे होगा फिर आपको बताएंगे। बरामद हुआ है जी, हमारे ऑफिसर वहाँ पर हैं, जैसे ही खबर वैशाली के प्रखंड पातेपुर से है, जहां पर नाडी खुर्द पंचायत के पास एक युवक को नशे की हालत में पाया गया है। बता दें कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने नशे की हालत में पड़े व्यक्ति को पातेपुर PHC पहुंचाया, जहां पर इलाज के बाद युवक की पहचान कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। वो दखिया कोई बोल रहा था झाड़ी में नीचे, रोड के नीचे, तो फिर हम लोग देखे जो उधर से आते हैं दर्शन करके जोगी बाबा के, तो देखेंगे, फिर जब देखे एक आर्मी का इंस्पेक्टर है राकेश झा, वो नीचे गए तो देखते हैं जो ये जिंदा है, तो हम देखे जो किसी तरह तो इसका प्राण बचाया जाए, तो इसको बाहर किया, खींच के बाहर किया गया है। तो पता लग रहा है जो कोई विदेश से आ रहा है, कोई इसको नशा सुंघा के सारा संपत्ति लूट लिया है और गाड़ी से इसको नीचे धकेल दिया है। अभी तक तो यही है, पूर्ण अभी होश में नहीं है, थोड़ा सा होश आया है तो थोड़ा सा बताया है, जो फोन नंबर दिया है वो संपर्क नहीं हो रहा है उस फोन नंबर से। थाना प्रभारी को फोन किए हैं बार बार, फिर भी थाना नहीं आ रहा है, यही तो थाना का ड्यूटी है। खबर वैशाली से है, जहां पर पातेपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित BRC भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न मामलों के मात्र 127 आवेदन मिले हैं, जिसमें कि सबसे अधिक राजस्व विभाग के कुल 33 शिकायतें आई हैं, विद्युत विभाग के 15, खाद आपूर्ति विभाग के 8, पंचायती राज विभाग के 13 सहित कुल 127 आवेदन प्राप्त हुए, जिसे निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी को भेज दिया गया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।